हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइज, गुड इवनिंग गाइज। आज के इस वीडियो पर हम लोग आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करेंगे। अगर आपका भी बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा पर है और आप लोगों ने अकाउंट को तो ओपन कर लिए लेकिन अकाउंट का फुल केवाईसी नहीं किए, तो अभी से आप लोग ईमेल के भाया अपने बैंक ऑफ बड़ौदा पर फुल केवाईसी कर सकते हैं। कैसे करना रहेगा पूरा प्रोसेस आप सबके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा पर है तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनुराज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अभी इस टाइम को बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट इन, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग मौजूद थे। सो यहाँ पर आप लोग जो है सबसे पहले ब्रांच का ईमेल आईडी फाउंड करना रहेगा। गाइस, यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि इससे पहले भी कुछ बैंक ने हमारा ईमेल केवाईसी लॉन्च किया था लेकिन उसमें एक टाइम एंड कंडीशन था कि आप लोगों को जो कि है अपना खुद का रजिस्टर ईमेल आईडी से मेल करना रहेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ अलग ही किया है। यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग किसी भी ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं, बस वहां पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर जरूर जोड़ देंगे और उसके साथ साथ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ या फिर वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट भेजेंगे तब भी आपका केवाईसी पॉसिबल है। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट और वैलिड मोबाइल नंबर होगा तो आपका केवाईसी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से भी हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी नहीं है तब भी ये पॉसिबल है। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं लोकेट आस, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है ब्रांच का ईमेल आईडी को फाउंड करना, क्योंकि आपको ईमेल पर ही डॉक्यूमेंट भेजना है। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एटीएम ब्रांच ईलोबी, मतलब आप लोग पार्टिकुलर जिस सेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप लोग एटीएम फाइंड करना चाहते हैं तो एटीएम फाइंड कर सकते हैं, ब्रांच फाइंड करना चाहते हैं तो ब्रांच भी फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों को ब्रांच फाइंड करना है तो इसीलिए हम लोग ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे। और ईलोबी पर क्या होता है बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है ना मैपिंग के माध्यम से अपना ब्रांच को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग ब्रांच के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस इजी होता है। मेरे लिए तो इजी होता है, आप लोगों के लिए जो इजी होता है आप लोग उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो कि ब्रांच वाला ऑप्शन पर क्लिक किए हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप लोग जो कि है पूरा का पूरा डिटेल्स एंटर करना रहेगा, जैसे कि कौन सा स्टेट कौन सा सिटी। सो हम लोग एक एक करके चूज कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको बताते हैं। गाइस, सबसे पहले जो कि है आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ओडिशा सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया ओडिशा, ओडिशा मीन नहीं रहा है ओडिशा। और उसके नीचे सिटी, सिटी पर हम लोग हमारा सिटी चूज कर लेते हैं जो कि है कटक। और उसके नीचे ब्रांच, यानी कटक का कौन सा ब्रांच का अकाउंट, आप लोग अपना मुताबिक सर्च करेंगे। मेरा ब्रांच यहाँ से मुझे मिल जाएगा कटक ब्रांच, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आईएफएससी कोड अगर आपका याद है तो दे सकते हैं, अगर याद नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या दिया, स्टेट सिटी और ब्रांच, हम लोग अभी सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लोडिंग होगा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं रिकॉर्ड आ गया, यानी हम लोगों ने सही ढंग से हमारा ब्रांच को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ब्रांच डिटेल्स आ गया है, जैसे कि देख पा रहे कटक ब्रांच। और यहाँ पर आईएफएससी कोड बताया गया है और हमारे अकाउंट पर जो आईएफएससी कोड है बिल्कुल मैच हो गए हैं। आप लोग भी ना अपना आईएफएससी कोड एक बार मैच जरूर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा ब्रांच का कोड भी आ चुका है, ब्रांच का पूरा एड्रेस भी मैच हो चुका है और यहाँ पर ब्रांच का फोन नंबर और उसके नीचे ईमेल एड्रेस बताया गया। गाइस, अगर आपका ब्रांच का मोबाइल नंबर या फिर आप ईमेल आईडी नहीं मिलता है तो आप लोग चाहे तो इसका कस्टमर केयर पर कॉल करके पार्टिकुलर ब्रांच का ईमेल आईडी को ले सकते हैं, नहीं तो मैं जो स्टेप बताया हूँ उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग भी इस ईमेल आईडी को ले सकते हैं। गाइस, ये रहा ईमेल आईडी, इसको जो कि हम लोग को सबसे पहले कॉपी कर लेना है क्योंकि इसी ईमेल पर हम लोग को मेल करना रहेगा। बट उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट को आप लोगों को रेडी करना रहेगा, जैसे कि मैं पिछले वीडियो पर ही बताया था, मतलब इससे पहले मैं वीडियो बनवाया था इलाहाबाद बैंक का ईमेल केवाईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ईमेल केवाईसी, तो वहां पर जो प्रोसेस था सेम उसी प्रोसेस, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ हटके किया। वो ये हटके किया कि यहाँ पर आप लोग जो किया किसी भी ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं, बस आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट और जो अकाउंट जो शेयर करेंगे वो वैलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो एक फॉर्मेट है आपको रेडी रखना है। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैं देखे रखा हूँ या फिर वीडियो को आप लोग पॉज करके
कहीं पर नोट कर सकते हो। यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं आप सबको शॉर्टकट में बता देता हूँ। टू द बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर उसके नीचे मैं जो कि है हमारा बैंक का एड्रेस दिया हूँ, सब्जेक्ट पर लिखा हूँ अपडेशन ऑफ KYC इन द बैंक अकाउंट, और यहाँ पर जो चीज़ें लिखता है रिस्पेक्ट सर, इस जगह पर आप लोग जो कि अपना पूरा का पूरा नेम देंगे। मैं शॉर्टकट पर बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, डिस्क्रिप्शन पर आप लोग ऐसे भी मिल जाएगा। और उसके नीचे इस जगह पर जो कि आप लोग अपना अकाउंट नंबर देंगे, और आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देंगे, और नीचे पूरा इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। और आप लोग खुद से लिख पाते हैं तो बहुत ही अच्छे, आप लोग खुद से ये स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर हो जाने के बाद नीचे थैंकिंग यू योर फेथफुल, इस जगह पर आप लोग अपना नेम देंगे, सिग्नेचर का जगह पर आप लोग सिग्नेचर देंगे, मोबाइल नंबर का जगह पर आप मोबाइल नंबर देंगे, और डेट के जगह पर आप लोग क्या करेंगे, जिस डेट को आप लोग ईमेल को सेंड कर रहे हैं ना उसी डेट को देंगे, और प्लेस पर आप लोग जो कि है अपना प्लेस देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अपडेट लेके आया है कि आप लोग किसी भी ईमेल से मेल कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट फाइल करने के लिए मोबाइल नंबर का आवश्यकता है, तो इसीलिए आप लोग मोबाइल नंबर को जरूर अटैच करेंगे। सो ये फॉर्मेट आप लोगों को सबसे पहले रेडी तो रखना ही है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार डॉक्यूमेंट और पैन डॉक्यूमेंट जो कि KYC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को रेडी रखना है। गाइस इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोगों को साइबर कैफे में बहुत आसान से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या क्या हूँ, सबसे पहले आधार का व्हाइट ब्लैक कॉपी निकले हूँ, और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आप लोग पेन से लिखेंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर डेट, ये जो कि आप लोग पेन से लिखेंगे, ध्यान रहे ये प्रिंटेड होना नहीं चाहिए, पेन से लिखेंगे। ये इस प्रकार से होगा, आप लोग जो कि सबसे पहले अपना KYC डॉक्यूमेंट को यानी आधार हो या फिर पैन हो उसका व्हाइट ब्लैक कॉपी निकलेंगे, और उसके नीचे पेन से लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे, और जिस डेट को आप लोग ईमेल करेंगे वो डेट देंगे, ये पेन से होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से पैन कार्ड पर ये भी करेंगे, पैन कार्ड का व्हाइट ब्लैक कॉपी निकालेंगे, उसके नीचे जो कि है आप लोग सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे पेन से, और पेन से सिग्नेचर करेंगे, पेन से डेट लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना ये स्ट्रक्चर आप लोग इसको पेन के ऊपर लिखेंगे। सो जब ये इस प्रकार से डिजाइन बन जाएगा आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर स्कैन करने का बहुत सारा अल्टरनेटिव एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, आप लोग उसके सहारे में इसको स्कैन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लोग रेडी कर लेंगे। और अभी बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये भाई क्या है। सो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ना आप लोग इनको जो देख रहे हैं सेम यही चीजें को मैं यहाँ पर कॉपी किया हूँ। सो ये डिटेल्स आप लोगों को सबसे पहले बना लेना है और इसको PDF फॉर्मेट पर रखना है, ओके। उसके बाद आपका ब्रांच का जो ईमेल एड्रेस है वहां पर आपको कॉपी कर लेना है और अपना ईमेल को ओपन करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमारा ईमेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा ईमेल आईडी से हम मेल करेंगे। सब्जेक्ट पर क्या लिखना है मैं सबको बताता हूँ। गाइज आपने जो लेटर पहले से टाइपिंग करके रखा है ना ये जो सब्जेक्ट है अपडेशन ऑफ KYC इन द बैंक अकाउंट, इसको आप लोग जो कि सबमिट में रखेंगे, कॉपी करेंगे और ईमेल का जो सबमिट वाला सेक्शन है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। कॉन्पोज मेल पर यानी इस जगह पर आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट ना इसको कॉपी करना रहेगा। कॉपी करने के बाद ईमेल पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। चलिए हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया, बहुत ही अच्छा बात है, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, पूरा लुकिंग अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद आप लोगों को जो कि ये जो फॉर्मेट है ये जो PDF है इसको अटैच करना रहेगा। गाइस इसको अटैच करना काफी सिंपल है, आप लोग ईमेल पर आ जाएंगे वापस, अटैचमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अटैच फाइल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फाइल ये है, हम लोग इसको चूज कर लेते हैं, हमारा फाइल अपलोडिंग भी हो चुका है। अभी ये हमारा ईमेल रेडी है, अभी ये ईमेल को हम लोगों को सेंड कर रहेगा। तो चलिए हम लोग हमारे ईमेल को सेंड कर देते हैं। गाइस जब आप लोग अपना ईमेल को सेंड कर देंगे ना उससे 7 दिन के अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहा, सब कुछ क्लियर रहा, तो आपका KYC हो जाएगा। और गाइज आप लोग अपना KYC स्थिति अगर जानना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर केयर पर कॉल जरूर करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आज वाला सेक्शन पर उसका कस्टमर केयर का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 24/7 इसका आप टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और इसका ईमेल एड्रेस भी, मतलब बहुत सारा अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग चाहे तो इनके साथ बातचीत करके आपका KYC कितना दूर तक हुआ है, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हुआ है कि नहीं, ये पूरा एड्रेस पता कर सकते हैं, या फिर अपना ब्रांच का जो डिटेल्स आपको मिला है उनके साथ भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पर ईमेल के माध्यम से अपना KYC कंप्लीट करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज आप लोगों को मिल गया। फिर भी कुछ डाउट है, फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। सो कैसे वास हमने इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन लेंगे इस प्रकार नया संदेश और कमाल है। पीस रुको सही के लिए गाइस, बाय बाय।